हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में हर बार आपको सुनने को मिलते रहती है कि रेलवे घाटे में चल रही है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आज के वीडियो में हम रेलवे को होने वाली अर्निंग के उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, इंडियन रेलवेज में टिकट का नियम इतना सख्त हो गया है कि आप यात्रा करें तो भी और ना करें तो भी दोनों कंडीशन में रेलवे को ही फायदा होगा, मतलब कि आम के आम और गुठलियों के दाम। दोस्तों, ट्रेन के स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्री, जिन्हें की अक्सर वेटिंग ही मिलती है, लोग इसी उम्मीद में टिकट करवा कर लास्ट टाइम तक वेट करते हैं कि शायद टिकट कन्फर्म हो जाए और वह उसे कैंसिल नहीं करवाते हैं, जिससे यात्री यात्रा करे या ना करे, अगर एक बार टिकट बुक हो गई तो रेलवे को करोड़ों की कमाई हो रही है। दोस्तों, आरटीआई के द्वारा मांगे गए जवाब में रेलवे का सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि क्रिस ने बताया कि 1 जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2020 तक इस 3 साल की अवधि में टिकट कैंसिल नहीं करा पाने वाले 9 करोड़ से अधिक यात्रियों से 4,335 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रेलवे को आई है। साथ ही साथ टिकट कैंसिलेशन चार्ज के नाम पर 4,684 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है। दोस्तों, यह एक ऐसी रकम है जिसके बदले रेलवे यात्रियों को न तो कोई सेवा प्रदान की है, न ही किसी तरह का खर्च किया है। इस तरह से कुल मिलाकर 9,019 करोड़ रुपए की आमदनी रेलवे को केवल टिकट कैंसिलेशन के नाम पर हुई है। दोस्तों, रेलवे के इस नियम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर से कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।